वीआईपी की गाड़ी जाती है तो पूरा शहर ब्लॉक कर देते हैं। और आज हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं और हमको उठा के एक साइड में करें, हम क्या यहाँ साइड में होकर ट्रैफिक चलता रहे तो हमारी मांगे कौन सुनेगा? आज अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारा हक छिन जाएगा, हमारी जमीनें छिन जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा? हमारा सिर्फ एक ही सहारा होता है कि किसानी और जमीन, अगर वही खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ से कमा के खाएंगे बताइए? जितने भी विधायक सांसद और मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े होदे में सत्ता के गलियारों पे बैठे हैं, वो अपनी सारी सुख सुविधा छोड़ दें, हम अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य छोड़ देंगे और लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। ये भी अपना त्याग करें ना जो सत्ता के गलियारे में बैठे हैं। मोदी सरकार की नीयत में खोट है, किसानी और पूरी देश की कृषि व्यवस्था को चंद उद्योगपतियों को परोसकर देना चाहती है मोदी सरकार। तीन कानून वापिस और चौथा एमएसपी की गारंटी का कानून, इन्होंने मानना नहीं है, बात टूट जाएगी, मेरे को ये नजर आ रहा है। चर्चा हुई, यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। दो तीन दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों से केंद्र सरकार ने एक बार फिर बातचीत की। इस बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं होगा। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों से कहा कि वो उनके उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन पर विचार किया जाएगा। अब फैसला 5 दिसंबर को होने वाली 5वीं बैठक में होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ लंबी बैठक के बाद बाहर निकलकर कहा कि किसानों और सरकार ने अपना पक्ष रखा, इस पूरी चर्चा से कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन्हें लेकर किसानों की चिंता है। सरकार पूरे खुले मन से किसानों के साथ चर्चा कर रही थी। उन्होंने कहा कि किसानों की चिंता है कि नए एक्ट से एमपीएमसी खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एमपीएमसी सशक्त हो। जहाँ तक नए एक्ट की बात है वहाँ प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, लेकिन जो एमपीएमसी एक्ट के अंतर्गत और प्राइवेट मंडियाँ उनमें समानता हो ये देखेंगे। जब मंडी के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से होगा। सभी आमंत्रित श्रेणी के किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई, यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। दो तीन दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। और साथ ही उन लोगों ने पराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है उस पर भी उनकी शंका है, विद्युत एक्ट है उस पर भी उनकी शंका है, इस दिशा में भी बातचीत की थी। तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इस बैठक के बाद कहा कि सरकार से एमएसपी को लेकर अच्छी बातचीत हुई है। किसान नेताओं ने कहा कि हमें लगता है कि एमएसपी पर सरकार का स्टैंड अब सही होगा। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मांग अब तक यही है कि सरकार कानूनों को वापस ले या तो इन कानूनों में संशोधन करे। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि सरकार से बातचीत आगे बढ़ी है लेकिन आंदोलन को खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता, ये आगे बढ़ता रहेगा। वीआईपी की गाड़ी जाती है तो पूरा शहर ब्लॉक कर देते हैं। और आज हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं और हमको उठा के एक साइड में करें, हम क्या यहाँ साइड में होकर ट्रैफिक चलता रहे तो हमारी मांगे कौन सुनेगा? हमारी सरकार से लड़ाई है, किसी आम आदमी से लड़ाई नहीं है। हम शांतिपूर्वक यह आंदोलन चलाना चाहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। हम सरकार को गुहार लगा रहे हैं और पूरी दिल्ली की घेराबंदी कर रहे हैं। अभी इन किसानों के लिए सारा लंगर पानी मौजूद है और थोड़े दिनों में जब दिल्ली वासियों को परेशानी आएगी तब सरकार की नींद खुलेगी, तब वो हमारी बात सुनेंगे। नहीं तो ऐसे सरकार नहीं सुनेगी। आपका ट्रैफिक भी चलता रहा और आपकी आवाजाही चलती रही तो हमारी मांगे कौन मानेगा, जिसके लिए हम अपना घर बार छोड़ के आए, सड़कों में बैठे हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। किसानों की चिंता है कि उन्हें कोर्ट जाने की इजाजत दी जाए, इस दिशा में भी सरकार विचार करने के लिए तैयार है। साथ ही पराली और विद्युत एक्ट को लेकर भी किसानों की शंका है जिस पर सरकार चर्चा करने को तैयार है। नए एक्ट से छोटे किसानों की जमीन को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की गई है।
कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। एमएसपी को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी के मामले को लोग शंका से देखते हैं, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि एमएसपी चल रही थी, चल रही है और आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसका आश्वासन भी किसान भाइयों को दिलाया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि अब परसों फिर से बातचीत होगी और अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों से अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है, किसानों को सरकार ने संयम से सुना है और बिंदुओं पर सहमति बनी है। आंदोलन खत्म करने को लेकर कृषि मंत्री ने कहा है कि इसे लेकर अब तक कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि लगातार सरकार बातचीत में है, इसीलिए आंदोलन समाप्त करें। ये किसानों के लिए भी अच्छा है और दिल्ली के नागरिकों को भी निजात मिलेगी। किसान पृष्ठभूमि से आने वाले सहारनपुर के सामाजिक कार्यकर्ता अनुपम गुप्ता कहते हैं, किसान आंदोलन को हाईजैक किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें असामाजिक तत्व और टुकड़े टुकड़े गैंग का भी हाथ हो सकता है। यही नहीं, वो यहाँ तक कहते हैं कि इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ खालिस्तानी समर्थक भी हैं इस आंदोलन में। वहीं कांग्रेस नेता संजय गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फिर आग्रह किया है कि इन तीनों काले कानूनों को निरस्त किया जाए, क्योंकि देश के करोड़ों किसान यही चाहते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में खड़े होने की अपील करते हुए संजय गुप्ता ने कहा कि सत्य और असत्य की लड़ाई है, जिसमें सभी को अन्नदाताओं के साथ होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर ये कानून किसानों के हित में है तो फिर किसान सड़कों पर क्यों है। प्रशासन कह रहा है कि यहाँ पर पब्लिक जो है वो परेशान हो रही है जाम से, लेकिन जो सरकार ने कानून लाए हैं उससे 100 करोड़ किसान जो प्रभावित हो रहा है, उनकी रोजी रोटी छिन रही है, उनकी जमीनें छिन रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन देगा उसका जवाब? उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आज अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारा हक छिन जाएगा, हमारी जमीनें छिन जाएंगी, हमारे पास क्या बचेगा? हमारा सिर्फ एक ही सहारा होता है कि किसानी और जमीन। अगर वही खत्म हो जाएगी तो हम कहां से कमा के खाएंगे।